जीएनयू प्यारे विद्यार्थियों, दसवीं जमात की गणित की किताब का पाठ दूजा बहुपद अभ्यास नंबर 2.3 सवाल दूजा ते तीन भाग ने। तुसी वीडियो नूं बड़े ध्यान दे नाल देखो, सुनो ते समझो। हल नाल दे नाल अपनी नोटबुक विच उतार लो, पर मगरों दी सवाल दे तीनों भागां नूं अपने आप जरूर करो। सवाल शुरू करिए। सवाल है बच्चे, कहिंदे दूसरी बहुपद नूं पहली बहुपद नाल भाग करके पता करो। सो दूजी बहुपद जिहड़ी वड्डी वाली कुदरती गल है वाली, ते इहनूं इकोवें तों पहले इह छोटी दे नाल भाग करना। पता करो कि की पहली बहुपद दूसरी बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं। ठीक है, यह सवाल बच्चों पहले सवाल वर्गा ही है जो असीं पहलां कीता सी पिछले वीडियो दे विच, पर इहदे विच एक गल बाकी ना जुड़ी हुई है जो तुहानूं ध्यान च रखनी है। वो इस तरह है कि किवें पता लगे कि कोई बहुपद किसी दूजे बहुपद का गुणनखंड होएगा या नहीं। सो कोई बहुपद किसी दूसरे बहुपद का गुणनखंड तदों ही होएगा जदों उस बहुपद नाल दूसरे बहुपद नूं भाग करन ते बाकी सिफर आवेगा। जे ते भाग करन दे नाल बाकी सिफर आ गया, इहदा मतलब जिहड़ा भाजक हैगा वो भाज का गुणनखंड है, नहीं ते नहीं। ठीक है, आओ देखिए किदां करना है। सो पहला सवाल है बच्चे, पहला है दो बहुपद रहे, सो इहदा मतलब असीं इहनूं इहदे नाल भाग करना है। सो जिहनूं भाग करना है उहनूं अंदर लिख लिया इदां भाग दे निशान पा के, ते जिहदे नाल भाग करना उहनूं इत्थे लिख लिया। हुण इह पहले वाले ते ध्यान देणा है, इत्थे टी दी घात 4 हैगी है, इत्थे टी दी घात 2 है। यानी टी दी घात 2 इत्थे लियानी पेगी, जेल्ले टी दी घात 2 टी दी घात 2 नाल गुणा होएगी ते टी दी घात 4 आ जाएगा, पर नाल 2 भी हैगा। इहदा मतलब कि मैं 2 टी दी घात 2 दे नाल गुणा करांगा। लो जी, जेल्ले 2 टी दी घात 2 नाल गुणा कीता, इहनूं इहदा गुणा कीता ते आ गया 2 टी दी घात 4, ते घटा 3 ने, ते 3 दूनी 6, ते आ गया घटा टी दी घात 2। इत्थे टी दी घात 3 ने वो आया नहीं साडे कोल, सो इत्थे असीं लिख दित्ता घटा 2 टी दी घात 2 दे थल्ले लिख दिता घटा 6 टी दी घात 2। यह 2 यह तो कट गया बच्चों, क्योंकि यह घटा का निशान जल्द असं इदा लिखते हाँ तो सारे चिन्ह बदल जाते हैं। यह घटा हो जाएगा, यह जमा है, यह कट गया, यह जमा हो जाएगा। सो जमा 6 ते घटा 2, सो 6 तो 2 गया 4, तो यह आ गया 4 डी दी घात 2। इतने टी दी घात 3 बचा होया, इतने इतने लिख दिता, यह सिफर है थले, जिते कुछ नहीं है उतने सिफर मन के चल लो। जो टी 3 टी दी घात 3 चो सिफर गया ते 3 टी दी घात 3 आ गया। यह जमा 4 जमा 6 चो 2 गया 4, 4 टी दी घात 2 आ गया, ते घटा 9 टी ते घटा 12 इदा दे दे लिख दिते। हुण है टी दी घात 3 ते 3 नाल है, सो इहनां ऐ वे ते जमा दा निशान है मोरे, इह लंबे ते जमा 3 टी, जिहड़े टी दी घात 2 नूं टी नाल गुणा करांगे ते टी दी घात 3 आ जाएगा ते नाल 3, सो जमा 3 टी इत्थे मैं लिखांगा। लो जी, जमा 3 टी, सो जमा 3 टी ने जेल्ले गुणा कीता ते की हो गया 3 टी दी घात 3 ते घटा 3 गुणा 3 तीया 9, 9 टी। ए बच्चे 3 दी घात ए ते इन्ना कट गया, ठीक है 4 टी दी घात 2 इधर इधर रह गया, ए जड़ा सी जमा, ए जमा आ जाएगा, ए कटा, ए भी कटिया गया ते घटा 12 ए थल्ले आ गया, कल्ला ए बचिया। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੱਟ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੱਟ ਗਿਆ, ਤੇ ਕੱਲਾ 4 ਟੀ ਦੀ ਘਾਤ 2 ਕਟਾ 12 ਬਚਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਬੱਚੋ ਟੀ ਦੀ ਘਾਤ 2 ਹੈਗਾ ਤੇ ਟੀ ਦੀ ਘਾਤ 2 ਹੈਗਾ, ਅਰਥਾਤ ਫਿਰ ਟੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਪਰ 4 ਆ ਜਾਏਗਾ, 4 ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਲਓ ਜੀ, ਮੈਂ 4 ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ 4 ਟੀ ਦੀ ਘਾਤ 2 ਤੇ ਕਟਾ 3 ਗੁਣਾ 4 ਕਟਾ 12, ਲਓ ਜੀ ਕਟਾ 12। ਸੋ 4 ਟੀ ਦੀ ਘਾਤ 2 ਇਹ ਕਟ ਗਿਆ, ਕਟਾ 12 ਕਟਾ 12 ਇਹ ਕਟ ਗਿਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਆ ਗਿਆ 0। ਤੇ ਫਿਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਇਹ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਭਾਗ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭਾਗਫਲ ਛੱਡਾ ਇਹ ਆ ਗਿਆ 2 ਟੀ ਦੀ ਘਾਤ 2 ਜਮ੍ਹਾਂ 3 ਟੀ ਜਮ੍ਹਾਂ 4, ਤੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਗ ਬਾਕੀ ਬਰਾਬਰ 0, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ 0 ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਟੀ ਦੀ ਘਾਤ 2 ਘਟਾ 3 ਇਹਦਾ ਪੂਰੇ ਬਹੁਪਦ ਦਾ ਗੁਣਨਖੰਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ। ਦੂਜਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਬੱਚਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਗੁਣਨਖੰਡ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਭਾਜਕ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਗ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ 3 ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ 3 ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ 3 ਫਿਰ 3 ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ x ਦੀ ਘਾਤ 2 ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ x ਦੀ ਘਾਤ 4 ਹੈਗਾ, ਸੋ ਮੈਂ 3 x ਵਰਗ 3 x ਦੀ ਘਾਤ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਲਓ ਜੀ, 3 x ਦੀ ਘਾਤ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 3 x ਦੀ ਘਾਤ 4,
तीन तिया नौ ते एक्स गुणा एक्स की घात दो किन्ना हो गया नौ एक्स की घात तीन ते जमा गुणा किया जमा तीन एक्स वर्ग। ठीक है ये नाल ते बच्चों ए कट गया इतने घटा का निशान हो गया सो पांच ए घटा नौ जमा पांच किन्ना हो गया पांच नौ घटाना है सो घटा चार आ गया ते एक्स की घात तीन इतने घटा का निशान हो गया घटा सत्त ते घटा तीन किन्ना हो गया घटा दस एक्स वर्ग हो गया ते जमा दो एक्स जमा दो ए कला का इधर लिख दिता। हुण इतने घटा का निशान आएगा क्योंकि इतने घटा है इतने चार भी हैगा क्योंकि चार है इतने एक्स की घात दो है तो इतने एक्स की घात तीन है इतने चार आएगा एक्स आएगा सो इतने आएगा कटा चार एक्स। ठीक है लो जी कटा चार एक्स ने जिले में गुणा किया तो यह बन गया कटा चार एक्स की घात तीन कटा चार एक्स जमा तीन गुणा तीन एक्स में गुणा होया तो बन गया चार ती बारह कटा बारह एक्स की घात दो कटा बारह एक्स की घात दो तो कटा चार एक्स गुणा एक हो गया कटा चार एक्स। लो जी ये नाल तो बच्चों ए कटिया गया ए जमा का निशान हो गया तो बारह चो दस गया दो एक्स की घात दो ए भी जमा का निशान हो गया तो चार जमा दो छे एक्स हो गया तो जमा दो कले का कला इतने आ गया। हुण बच्चों इतने एक्स की घात दो इतने एक्स की घात दो सो मैं कला दो ना गुणा करा ताकि इतने दो की एक्स की घात दो दो आ जाए। ठीक है सो जल्द दमा जमा दो ना गुणा किया दो की एक्स घात दो आ गया दो तीय छे एक्स आ गया दो एकम दो आ गया। लो जी दो ना दो कटिया गया छे एक्स ना छे एक्स कटिया गया दो एक्स की घात दो ना दो एक्स की घात दो कटिया गया सिफर आ गया। सो क्योंकि बाकी सिफर है इसलिए ए वाला जरा बहुपद है ए वाले बहुपद का यदा गुणनखंड है। आओ तीजा भाग देखिए तीजा भाग बचो इनू ए भाग करके देखना कि गुणनखंड है या नहीं। सो इन इतने लिख लिया सो इतने एक्स की घात तीन है इतने एक्स की घात पांच है सो एक्स की घात तीन जमा दो पांच होता है सो इन्होंने एक्स की घात दो दे गुणा करना है मोरे कोई गुणांक नहीं है गुणांक एक है सो कोई समस्या नहीं। सो एक्स की घात दो ने जल्द गुणा किया ए बन गया एक्स की घात पांच कटा तीन एक्स ने गुणा किया तो बन गया कटा तीन एक्स की घात तीन तो यह बन गया एक्स की घात दो गुणा एक मतलब एक्स का घात दो ए इन्ना कटिया गया ए जमा का निशान हो गया बच्चे सो कटा चार ते जमा तीन कटा एक्स की घात तीन हो गया यह घटा का निशान हो जाएगा एक्स वर्ग के एक्स वर्ग कटिया गया तो यह कला बच गया तीन एक्स जमा एक सो तीन एक्स जमा एक बच गया उत्तों की एवड़ा इतों की यह कटिया गया यह कटिया गया यह दोनों कटा एक्स की घात तीन आ गया इतने पहले ही कटा एक्स की घात तीन है सो इतने घटा का निशान है इसलिए मैं इतने कटा एक ना गुणा करा। ठीक है कटा एक ना गुणा करने कटा इतने कटा एक्स की घात तीन आ जाएगा सो कटा एक ने गुणा किया सो यह बन गया कटा एक्स की घात तीन कटा तीन एक्स कटा एक ने गुणा किया जमा तीन एक्स हो गया एक नु कटा एक ने गुणा किया तो कटा एक हो गया यह बचो कटा एक्स की घात तीन कटा एक्स की घात तीन कट्टे गए तीन एक्स तीन एक्स इतने कटा निशान तीन एक्स ए दोनों कट्टे गए तो हम बच्चों देखो इतने जमा का निशान हो जाएगा यह कटा एक ने जमा हो जाएगा सो एक जमा एक दो आ गया सो बाकी सिफर नहीं आया बाकी दो आया है सो इतने लिखना है क्योंकि बाकी सिफर नहीं है इसलिए एक्स की घात तीन कटा तीन एक्स जमा एक इस बहु दिते बहुपद का गुणनखंड नहीं है। सो बच्चों सवाल बिल्कुल पहले वर्गा सिवा जिदा पहला सवाल असी तीन भाग किए थे बहुपद को दूजे बहुपद में भाग कर भाग करके देखना है जे कहन कला भाग करो तो भाग कर देना तो कहेंगे भागफल दसो बाकी दसो की आया तो यह पूछ सकते हैं कि दसो गुणनखंड है या नहीं तो तुम देख लो जो गुणनखंड सिफर आंदा है फिर वो जे बाकी सिफर आंदा है फिर गुणनखंड है तो जे बाकी सिफर नहीं आता तो फिर गुणनखंड नहीं है। सो ऐसी प्यारे विद्यार्थियों तुहाडे इस अभ्यास नंबर 2.3 का दूजा सवाल तो तुसी इसी तरह नेम दे नाल शाह नाल अनुशासन नाल अपनी पढ़ाई करी चलो तो अगले वीडियो तक लई रब रखा। तुहाडा सारिआं का बहुत बहुत धन्यवाद।